सीरियल इश्कबाज की हुई नई शुरुआत, अब नई कहानी के साथ नए सिरे से इश्क लड़ाएंगे इश्कबाज। लेकिन उससे पहले एसीपी भव्या और ओबेरॉय ब्रदर्स के बीच हुआ है टेंशन, क्योंकि आज एसीपी भव्या पहुंची है ओबेरॉय मेंशन में करने शिवाय सिंह ओबेरॉय को गिरफ्तार। दिमाग खराब हो गया तुम, पता कहाँ पे खड़ी से बात कर रही है? पुलिस वाली होगी तो मैं अपने घर में, पहला तो मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती, और दूसरा जबरदस्ती तो बहुत दूर की बात है, तो मैंने हाथ भी नहीं लगा सकता। दो शिवाय सिंह ओबेरॉय ठहरे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, किसी की कंप्लेन पर ऐसे कैसे गिरफ्तार हो जाते शिवाय? शिवाय घुमाते हैं कमिश्नर साहब को फोन, जिसके बाद भव्या को ही मांगनी पड़ जाती है शिवाय से माफी। तुम्हारे एटीट्यूड की तो हवा नहीं है, सीनियर ने कहा बात तो माननी पड़ेगी। चलो लेडी सिंह बोलो। नहीं किया गया, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आई किसी को। आई एम सॉरी मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय। चलिए अब सीधा चलते हैं शहर की लेडी दबंग एसीपी भव्या के पास और जानते हैं इश्कबाज की इस नई शुरुआत के बारे में। इश्कबाज अब एक नए सिरे से फिर से शुरू हुआ है, तो अभी कोई भी बहू नहीं है, तीन भाई हैं और फिर से सब मिलेंगे। तो मैं तो इंस्पेक्टर थी, इंस्पेक्टर भव्य प्रताप राठौर, एसीपी भव्य प्रताप राठौर। सो मैं इनको अरेस्ट करने आई हूँ, शिवाय सिंह ओबेरॉय को। वैसे भव्या, शिवाय ने ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें अरेस्ट करने पहुंची हैं? हाँ, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बट कुछ ना कुछ कभी किसी को धमकी दे देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं, तो अभी फिलहाल उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है गड़बड़, जिसके कारण मुझे ओबेरॉय मैंशन में आना पड़ा और उनको अरेस्ट वारंट देना पड़ा। लेकिन भव्या, आपको तो उल्टा शिवाय से माफी मांगनी पड़ गई। वो तो खैर, मैं आई तो बहुत टेंशन के साथ थी कि हेलो यू हैव टू, चलो पुलिस स्टेशन चलना है, बट जैसे ही कमिश्नर के पास फोन गया तो सॉरी बोलना पड़ा उनको मुझे, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड, बट मैं आगे दिखाने वाली हूँ एसएसओ को कि क्या होने वाला है आगे। जहाँ एक तरफ ओबेरॉय ब्रदर्स का टेंशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अनिका और गौरी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई है। खिड़की तोड़ अनिका अब बन गई है सीधी साधी सुलझी सी अनिका, जिसकी खुशी है उसकी छोटी बहन गौरी की खुशी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, यार द बेस्ट, मिर्ची पे घोड़ा। गौरी और अनिका की खुशियों भरी जिंदगी में अब एक चाची भी है, जो अक्सर अपनी बातों का जहर उनकी लाइफ में घोलती है और गौरी देती है अपनी चाची को हर पल मुंह तोड़ जवाब। मानना पड़ेगा आपकी जुबान के सामने ये मिर्ची के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं। चोच बंद कर अपनी, छोटे बड़े का तो लिहाज ही नहीं करती ये लड़की। हाँ, और ये कहाँ की कलेक्टर नहीं है जो तू आधा आधा किलो बेसन इसके पकौड़ों में उड़ा देती है? एक बात बताओ, किस बात की दावतें चल रही है? तेरी बहन की बारात आ रही है चाची, बहन पे मत जाना। जाऊंगी, एक बार नहीं 100 बार जाऊंगी। अब देखिए गौरी का दबंग अवतार। चाची, माय एंगल वेरी डेंजर, ये बेचारी बहन बहुत देर इश्कबाजों का सफर नए सिरे से शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि ये नई शुरुआत ऑडियंस को कितनी पसंद आती है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।